नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर आशीष दामलीपत हूँ। आज हम हिस्टेरिक्स में स्पा और एडवांस हिस्टेरिक्स में हैं। आज की वीडियो में हम गायनेकोमास्टिया के बारे में जानेंगे। गायनेकोमास्टिया ये पुरुषों में बीमारी होती है। 30% पुरुषों में प्यूबर्टी के टाइम पे ये डेवलपमेंट हो सकती है। ये मेल ब्रेस्ट, इसका अलग नाम है, कभी मेल बूब्स कहते हैं या फिर गायनेकोमास्टिया। ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम में, प्यूबर्टी के टाइम में, काफ़ी हद तक पुरुषों में होता है। इसमें से काफ़ी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, मगर जो नहीं होते हैं उनके कोई कारण अलग होते हैं। उनको प्राइमरी या सेकेंडरी गायनेकोमास्टिया कहते हैं। सेकेंडरी का मतलब किसी कारणवश होना, यानी फॉर इंस्टेंस अगर आप कोई दवाइयों पर है, डिजॉक्सिन सिमेटिडिन लंबे समय तक अगर ले रहे हो, तो उनकी वजह से भी गायनेकोमास्टिया या मेल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो सकती है। कभी लिवर फेलियर या टेस्टिकुलर फेलियर अगर है तो भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है। मेजॉरिटी 80% जो इसमें से होते हैं वो इडियोपैथिक या प्राइमरी गायनेकोमास्टिया में आते हैं, यानी इनमें कोई हार्मोनल भी आपको कुछ ऑड या फिर गलत नहीं निकलेगा, इन्हें कोई डिसीज भी नहीं होता है, मगर मेल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। इनमें हार्मोन लेवल्स भी नॉर्मल होते हैं, मगर सेंसिटिव टिश्यू होने के कारण वो टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, और ये प्यूबर्टी में डेवलप होने के बाद में फिर ये कम नहीं होते, ये वैसे के वैसे रहते हैं। इनमें बाद में ग्रोथ भी नहीं होती, ये स्टेबल हो जाते हैं। आपका वेट बढ़ा तो इनमें ग्रोथ दिखेगी, मगर वैसे हार्मोनल डेवलपमेंट नहीं होती, और ऐसे कंडीशन में ये अपने आप भी ठीक नहीं होने वाले। कुछ भी करो, आप उसको वेट कम करने की भी कोशिश करो तो ये कम नहीं होते। इनको आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है, जिसको गायनेकोमास्टिया सर्जरी कहते हैं। अब ये गायनेकोमास्टिया सर्जरी भी काफ़ी सालों से, 40-50 सालों से चलती आ रही है, मगर इसमें डेवलपमेंट आई है। और जो पहले बड़े बड़े स्कार ओपन करके ग्लैंड निकालते थे, ब्रेस्ट टिश्यू निकालते थे, उनके धब्बे रहते थे, स्कार्स रहते थे, ये अभी तक आप देखेंगे कुछ सर्जन्स बड़े बड़े इंसिजन में ऐसे निकालते हैं ये ग्लैंड को, और उससे निशान रह जाता है, यानी उसका एक मार्क आप पे रह जाता है, जो उस और वो अगर मार्क रहा तो फिर भी आप टी शर्ट नहीं उतार पाते, आपको संकोच होता है, आपको डिफिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो अभी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे ऐसी डेवलप हुई है कि जिससे हम एक छोटे से 3-5 मिलीमीटर के एक इंसिजन से, जिसको की होल सर्जरी कहते हैं, वो की होल में से हम ग्लैंड को भी निकालते हैं, और उसके साथ में लिपोसेक्शन करके हम फैट भी कम करते हैं, ताकि ऑलमोस्ट स्कारलेस ये प्रोसीजर हो जाती है। ये प्रोसीजर हमारे यहाँ पे तो डे सर्जरी है, और एक बार करके स्वेलिंग ब्रूजिंग जैसे 3-4 हफ्तों में कम हो जाता है, एब्सोल्युटली नॉर्मल फ्लैट चेस्ट मिल सकता है आपको। फिर बाद में नहीं के बराबर ही कह सकते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसकी कॉस्ट वेरी करती है कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो। टेक्नोलॉजी अगर सिंपल लिपोसक्शन है, अगर बड़ा इंसिजन लेके निकाल रहे हो, सिर्फ ग्लैंड एक्सीजन है, या फिर वेजर लिपोसक्शन, या फिर की होल ग्लैंड एक्सीजन, और ये तो ये कॉस्ट आपको 70,000 से लेके तो 1,20,000 तक जा सकती है। इसके ऊपर भी आप अगर हाई डेफिनेशन करना चाहते हो तो आपके मसल्स के बीच में जो फैट होता है उसको एचिंग करके निकाल के आपको काफ़ी डिफाइंड चेस्ट दे सकते हैं, जिसको आप मस्कुलर चेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव सर्जरी है और वेरी सेटिस्फाइंग। तो ऑल यंग एडल्ट्स एंड टीन्स जो गायनेकोमास्टिया से जूझ रहे हैं, उन्हें कंसल्टेशन लेना चाहिए और इस प्रोसीजर के बारे में गो अहेड एंड गेट इट डन। और भी वीडियोस इस पे आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, तो आप ज़रूर उनको देखना। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, और वी होप टू सी यू अगेन। थैंक यू।